मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के नूरानी होटल में। दरअसल आपको बता दें कि मुमरा में जिस तरह से नशा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब छोटे छोटे बच्चों की भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जो नशा करते हुए देखे जा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तरफ से अब नशे के खिलाफ मुहिम जो है शुरू की जा रही है। ये मुहिम 4 महीने के लिए चलाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि नशे के खिलाफ जो है मुमरा शहर में अब तक कई बार मुहिम शुरू की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे पे थोड़ी बहुत रोक जरूर लगी, लेकिन फिर भी मुमरा शहर में अभी भी नशे का कारोबार जो है वो बरकरार है और जिसकी चपेट में नौजवान बच्चे आ रहे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुमरा के अध्यक्ष हैं मुफ्ती बासित साहब, उन्हीं से बात करेंगे किस तरह की आप लोगों की जो है नशे के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की जा रही है। नशे के खिलाफ ये जो मुहिम शुरू की जा रही है ये एक मुनज्जम मुरत्तब तरीके से हम कर रहे हैं। इसका एक डायग्राम बनाया गया है कि तमाम पहले तो ऊपर के जो तबके के लोग हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, टीचर्स हजरात हो गए, बिल्डर्स हजरात हो गए, सियासी तंजीमें और मुख्तलिफ और इदारे हैं, उन तमाम के जिम्मेदारों को लेकर के हम मीटिंगें करेंगे और उनको इसके लिए तैयार करेंगे कि आप मुहिम का हिस्सा बने और मुहिम की जिम्मेदारी आप लोग भी संभालें। और फिर उसके बाद में हम आवाम तक के मैसेज ले जाने के लिए नुक्कड़ नाटक और कॉर्नर मीटिंगें और मुख्तलिफ तरीके से जो एक मैसेज दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस और क्लासेस के अंदर बाकायदा इसके प्रोग्राम रखे जाएंगे। डिपार्टमेंट तक के क्या कहते हैं एक मैसेज लेके जाया जाएगा, लेटर्स जाएंगे डिपार्टमेंट से, उनको एक डेडलाइन दी जाएगी कि इस ताल्लुक से अब तक के जो डिपार्टमेंट के पास केसेस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है और अब तक जो मुलविस हैं या केसेस में हैं उसके बावजूद उनके ताल्लुक से बातें हैं शहर में हैं मौजूद आ रही हैं, साफियों के सवाल में भी आई हैं कि वो कारोबार और बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। डिपार्टमेंट तक के भी हम मजबूत तरीके से मैसेज लेकर के जाएंगे और इस तरीके से मुख्तलिफ टीमें बनाई जाएंगी। इसके अंदर काउंसलिंग के लिए जो मुतासरीन हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी और इसी तरीके से एक टीम बाकायदा कारोबार करने वालों को रोकथाम के लिए भी तैयार की जाएगी। डिपार्टमेंट के ताउन और मदद से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। काउंसलिंग के लिए जो है क्या ये टीमें जो बनाई जाएंगी ये घर घर जाकर जानकारी देंगी, क्योंकि इसमें जो है महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, जो लड़कियां नशा भी करती हैं, महिलाएं नशा बेचती भी हैं, तो क्या ऐसा इमाम काउंसिल के तरफ से कुछ महिलाओं की भी टीम बनाई गई है जो इस तरह की महिलाओं और लड़कियों को नशा के बारे में जानकारी दे सके कि वो किस तरह से नशे से छोड़कर एक बेहतर जिंदगी जी सके। आज मुहिम का आगाज किया गया है, सब तरह की टीमें इंशाल्लाह बनाई जाएंगी, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ मीटिंगें लेंगे उसके अंदर महिलाओं की भी, पेरेंट्स की भी, सब तरह की मीटिंग होगी और उनको इसमें शामिल किया जाएगा, उनकी भी काउंसलिंग होगी और घर घर जा करके हम समझाने की बजाय हम एक हेल्पलाइन नंबर इंशाल्लाह जारी करेंगे और उसके जरिए से हम तक के लोग पहुंच सकेंगे। जो भी मुतासर हैं उनके फैमिलीज वाले पहुंचेंगे तो हम घर पे जाना पड़ेगा या हमारा जो सेंटर बनेगा वहां पर उनको बुला करके हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर इसमें जो नशा बेचने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग आपकी तरफ से कहा जा रहा है हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, लेकिन लोगों के दिल में डर रहता है, तो आप लोग किस तरह से पूरे इस अपने जो चलाएंगे मुहिम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? और जो ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर इसमें कोई राजनीतिक के लोग शामिल होते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा रहता है, आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो शहर छोड़ के चला जाए नशा बेचने वाला, अगर है अगर वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिला और आप लोगों के ऊपर दबाव हो रहा है कि आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई ना करवाएं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर पूरे उलमा को तैयार किया गया है और उलमा की निगरानी में काम होगा। राजनीतिक लोगों को कारोबार करने वाले में किसी भी तरह के लोग, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो या राजनीतिक हो, किसी भी तरह का कोई भी फर्द होगा उससे किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी और किसी किस्म के कोई दबाव को हम कबूल नहीं करेंगे इस सिलसिले में। मुमरा शहर में ये भी सवाल उठ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशा बेचने वालों तक जा रहे हैं, नशा ला रहे हैं और जो है बाकायदा गाड़ियों में इधर उधर गलियों में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन क्या उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ये सवाल उठा रहे हैं मुमरा शहर के लोग। सिलसिले में बाकायदा डिपार्टमेंट से लेटर के जरिए से तहरीरी जवाब तलब किया जाएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है
और अगर कुछ कमी है तो डिपार्टमेंट का हम ताउन करेंगे, उनसे ताउन लेंगे और सिलसिले में मजबूत इकदाम किए जाएंगे कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो आपने सुना कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तरफ से मुमरा शहर में अब जो है नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी और इनके तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, अगर किसी भी शख्स को नशा बेचने वाले के जानकारी है तो वो इनके हेल्पलाइन नंबर के द्वारा जो है वो जानकारी दे सकते हैं। पुलिस को भी आप इसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तरफ से जिस तरह की मुहिम शुरुआत की जा रही है, ये मुहिम मुमरा कौसा में कितना रंग लाती है।